सो एम्प्लॉयज़ का जिम्मेदारी अपने को संभालना, उसके साथ साथ समाज के जिम्मेदारी है। जितने आदमी बोले उनमें 90% समाज का स्थिति का, समाज के बारे में हमारा कर्तव्य क्या है बताए। आपसे सिवा कोई करने वाले नहीं इसको। गांव में आप चले जाओ, हमारे लोग अनपढ़ है, उनके पैसा नहीं, उनके पास काम नहीं है। अगर समाज के नाम पे अम्बेडकर और बाबूजी का नाम से आप लोग फ्री में रह रहे हैं हमारे समाज, सिर्फ अपने समाज नौकरी नहीं, अपने फैमिली नहीं, समाज को देखभाल करने का जिम्मेदारी आप लोगों का, ये आज आप लोगों के बातों में बाहर आया है। एक तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आया, जब प्राइवेटाइजेशन के बारे में आया मैंने मनमोहन सिंह जी ये कहा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को हायर करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना पड़ेगा उनको। कंपनी बना दीजिए, 100% ग्रांट दीजिए, अपने ग्रेजुअली उसको कम करते जाइए, 4 साल 5 साल के बाद इमीडिएट कंपनी बन जाएगा, तो अपने संभालने के लिए ये सुझाव मैंने दिया। लेकिन मनमोहन सिंह ने इंडस्ट्रीज का मीटिंग बुलाया, इंडस्ट्री वाले बोले नो, हम वो नहीं कर सकते, दे आर नॉट केपेबल ऑफ, वी कैन नॉट टेक देम डायरेक्टली। सो वहाँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, बहुत लोग कंपनी में जो काम कर रहे हैं आपको मालूम है, CSR हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ट्रेनअप कर लेंगे, हम पैसा देंगे, इसके एक्सपेंडिचर हम ले लेंगे, लेकिन कुछ भी आगे नहीं बढ़ा। प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ, प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लगाने के बदले इन्होंने कॉरपोरेट सोशल सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। उसको क्या किया है, NIC वाले भी किया है, बैंक वाले भी किया है, कोई एक शेड्यूल का एसोसिएशन से एक एप्लीकेशन लेते हैं, 10,000 ग्रांट दे दिया, 20,000 ग्रांट दे दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। रिजर्वेशन के बजाय प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन वाले को हमने जबरदस्ती करा, लेकिन मनमोहन सिंह ने वो ढीला कर दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर दिया। बैंक वाले सोशल एक्सेप्ट के अपने एसोसिएशन को कोई ज़्यादा बोलते हैं ना, उनको बुला के एक एसोसिएशन ला के आओ, एक अप्लीकेशन ला के आओ, आपको 10,000 देंगे, 15,000 देंगे, दैट इज चार्ज अंडर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द कास्ट ऑफ द रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। 20 साल हुआ कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है रिजर्वेशन, बाकी का अडाक सिस्टम में चल रहे। एक तरफ आप लोग एजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयज का प्रॉब्लम है, एक अलग है, लेकिन समाज का प्रॉब्लम उससे भी ज़्यादा है। आगे जाते जाते टुडे वी आर इन ए सिचुएशन, वेयर डू वी स्टैंड, हिंदुत्व का सरकार आया है। मैं पहले दिन भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज फॉर हिंदुत्व। इफ इट इज हिंदुत्व, वेयर डू आई स्टैंड? आई एम नाइदर ब्राह्मिन, क्षत्रिय, वैश्य, नॉट इवन शूद्र, आई एम ए पंचम, अनटचेबल। ये एक नया सवाल आपके सामने आएगा, हमारे लिए भी सोचना पड़ेगा, ये बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। आम ए हिंदू, देन वाई द डिस्क्रिमिनेशन, वाई शुड आई रिकग्नाइज हिंदू? आई डोंट नो, अम्बेडकर जैसे आंदोलन
पायलट ने कहा है लड़ो बोलो या लिखो, पेपर वाले ने कहा लिखो, लिखने से बात नहीं होता है, पेपर चलाओ, पैसा दो, चंदा भरो, पेपर चलने दो, हम तो लिख के भेजते हैं, फुकट आप नहीं भेज सकते, पेपर भी आना चाहिए। ये बार बार हमें मिलने चाहिए, आपस में बात करते हुए, लड़के क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं क्या, लड़का क्या पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ मैंने हर एक कॉरपोरेट ऑफिस में शेड्यूल का शेड्यूल लोगों के लिए एक ऑफिस बना के रख दिया। उस दिन कहा मैंने इलाहाबाद बैंक चेयरमैन श्रीनिवास से, कमरा खाली पड़ा था, इसका कमरा हमारा लोगों को बैठने के लिए एक मौका दे दो, इमीडिएटली एक आल दी सेक्रेटरी कल से ये रूम कमरा ले रहे। तो उसके बाद हर एक बैंकों में कॉरपोरेशन में हमारे लिए जगह मिला है। शेड्यूल कास्ट किसी ऑफिस में 15% तो हम बैठा है, 18% भी बैठा है। आप सारे लोग हफ्ते में एक दिन आधा घंटे या एक घंटे इकट्ठे बैठो, सारे ऑफिस को दूसरा मैसेज चले जाएगा, अरे कुछ हो रहा है। आप सियासत मत करो, पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है, आपस में बात करो, लड़का क्या कर रहा है, पास हुआ या नहीं, लड़की का ब्याह कर रहे हैं क्या, कैसे हो, इतना आप आधा घंटे एक घंटे बैठ के बात किए तो मैसेज दूसरा चले जाएगा, वो बात में ताकत आएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आया था कहीं नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी 120 प्रोफेसर्स अटेंडेड मी, यू कॉन्ट एंटर, दिस इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, यू कैनॉट कम इन, यू हैव नो पावर। आधा घंटा एक घंटा चला, बाद में बोला यू आर ऑल ऑटोनॉमस, हमने ऑटोनॉमस क्यों दिया है, मेरा मैं आपके स्टूडेंट रहा, आप वाइस चांसलर बन गए अभी, मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना, आप मेरे गुरु वाइस चांसलर के नाते मेरे सामने आके हाथ जोड़ के खड़ा नहीं करना, इसीलिए आपको ऑटोनॉमी दिया हूँ। ऑटोनॉमी तो ऑटोक्रेसी नहीं है, मैं आफ्टर ऑल यूर यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इज ओनली ए स्टैट्यूटरी पावर, पार्लियामेंट के लॉ पास करने से यूनिवर्सिटी बना है। लेकिन आई वॉज इन द कमीशन, आई एम द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ऑफ द एनी स्टैट्यूट। 200 million इंटरेस्ट ऑफ द 200 million पीपल इज इंटरेस्टेड टू मी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हाउ आई असर्टेड एवरी वेयर, इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मैं वही ना वो दिया, वो सारे घंटा चले के अध्यक्षते में सारे चेयरमैनों की मीटिंग में, तो हमको ये पावर नहीं वो पावर नहीं दे बने, मैंने चंद चंद घंटे चले को बोला, अरे मैं आई एम ए डिफरेंट कमीशन, वाई आर यू कॉल्ड हियर, ही सेड हाउ आर यू डिफरेंट, मुझे आपका जो प्रॉब्लम है पावर नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं, वो प्रॉब्लम है नहीं, मैं पावर कॉन्स्टिट्यूशन रखी हूँ, पावर मेरे पास है, मैं इसके पावर नहीं है मैं नहीं बोलूँगा, पावर है। मेरे सेक्रेटरी ने कहा आप एक स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता, आपको 10 दिन टाइम देता हूँ, मुझे बताओ मैं कहाँ नहीं दे सकता, 10 दिन में मैं नहीं पढ़ गया। आशा दास IAS लेडी, उनके घर में 5 IAS ऑफिसर थे, उसका बाप ICS थे, मैंने बोला आज लैंग सेक्रेटरी है चेयरमैन, यू आर द सेक्रेटरी, यू हैव टेक माई डायरेक्शन एंड वर्क, सो शी सेंट टू एवरीबडी, हनुमंतप्प वॉन्ट्स टू इंस्पेक्ट यूर गवर्नमेंट्स, हाउ एवरीबडी कैसे आएंगे, ये आएंगे बाद में, नो इफ द चेयरमैन वॉन्ट्स वी कांट से नो, दैट इज हाउ रिव्यूड 17 गवर्नमेंट्स, कांग्रेस, शिवसेना, BJP, कम्युनिस्ट, एवरीबडी। इसका मतलब ये है आई एम सो हैप्पी दैट वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन अवर एम्प्लॉयमेंट, वी आर ऑल रोड लुकिंग इन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। परसों हम राष्ट्रपति को मैंने कल ही उनसे प्रेसिडेंट्स ऑफिस से कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने आज ऑनलाइन में आपका रिक्वेस्ट आना चाहिए, तो ऑनलाइन में रिक्वेस्ट भेजा, चेकअप किया,
आपका रिक्वेस्ट आया है एयरपोर्ट इंडिया पुट अप गया है, लेकिन चेयर प्रेसिडेंट इज बिजी टुडे एंड टुमारो विल से बिजी अप टू 6 o'clock मे नॉट बी बट स्टिल फाइल हैज नॉट कम बैक। उन्होंने कहा आपका नाम है इसलिए फाइल उधर ही है, अभी वापस नहीं आया है। अलग बात है, लेकिन कल तक होगा इंतज़ार कर रहा हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीक आई विल कम ऑन टॉक टू। उससे पहले मैं चंद्र सेवदी साहब से कल बात किया, अरे भाई आकाश अगर मैं प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट अगर हमारा तारीख जो 23 तारीख को अगर उनको सुविधा न हो तो आगे पीछे जोड़ने का थोड़ा बदलने का मौका रखना चाहिए। चौधरी साहब ने कहा जब प्रेसिडेंट मानते हैं तो इतना छोटा मोटा एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। सो इसीलिए मुझे उम्मीद है कल अगर मिले तो मिलने तो नेक्स्ट वीक में यहाँ के इनसे डेट तो कोशिश करेंगे। बट प्रेसिडेंट के पास पहली बार एसोसिएशन 1000 लोगों को हमारे शामिल करने का है, उसके साथ साथ बाहर के हमारे आजू बाजू के बिजनेस वाले गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थान से जो गए 10-20 कंट्री से वो भी आने वाले का उम्मीद है। ये है ना, ये हैज गॉट मैप इन हिज हेड, तो पहले इनको अरेस्ट करो। He has already been called it as an international conference, yeah. So it has to be international. It should be national also. Our problems, एक memorandum हमने रखना है, employees, society, reservation, CSR, आप लोगों में से हमारे बहुत अकलमंद लोग हैं, अकलमंदी में भगवान ने पहले आदमी को सृष्टि किया, देखते बेटा वो आदमी ब्रह्मा को भी आगे चलना शुरू किया। ओहो एक दिन मुझे भी ये निकाल देगा काम से। उसके बाद उन्होंने उसको ब्रेक लगाने के लिए एक स्त्री का जन्म किया। इट्स नॉट ए डिस्क्वालिफिकेशन टू एनीबॉडी but we have a check and balance, that is his plan of Brahma, that is also written by Brahmins, humne padha hai sikha hai, bas brain washing karne ke liye shayad hoga, phir bhi hamare yahan bhi akalmand bahut zyada hai, akalmandi mein it can be used for positive or negative, kai baar negative mein chale jate hain, so aap logo mein se ek aadha dozen bhej jaiye मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, रिजर्वेशन में प्रमोशन, कोर्ट का हमारा परिस्थिति क्या है, ये नंबर वन। नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशन, बीजेपी सरकार मई सरकार पॉलिटिक्स नहीं, ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को हम सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आचरण में उसको हमें राष्ट्रपति के सामने लाना ही चाहिए एग्जाम्पल देकर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज क्रिएशन ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर था दलित, था शेड्यूल्ड कास्ट, था अच्छे पानी नहीं दिया, फाइल फेंका, ये सारा है, फिर वर्ल्ड रिकग्नाइज किया है, अब दलित नहीं है, अच्युत नहीं है, वर्ल्ड में सब लोग है, ब्राह्मण भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमान भी है, सब भी मिला के उनका बर्थडे को हमने माना करने के लिए यूनियन उनका बर्थडे इज द जीनियस ऑफ ए वर्ल्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। सो वो कॉन्स्टिट्यूशन दलित का नहीं है, अभी जेनस का है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन उसके लिए नौजवान है, लड़ो
तब तक के अगेनर, हम छोड़ने वाले नहीं है। करना सी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अमेंडमेंट किया है, उनका शिकायत है कॉन्स्टिट्यूशन हो अमेंडमेंट हो गया, इसमें दम नहीं है, इसीलिए इसको चेंज करना चाहिए। एम एन वेंकटाचार्य का अध्यक्षता में कॉर्पोरेट अमेंडमेंट का है, सामान्य मेंबर थे, कोशिश किया। थैंक्स टू वेंकटाचार्य, सेड नथिंग रॉन्ग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट। इसने अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर को पार्लियामेंट में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन में गलती हो सकती है, उसने वही कहा, हिस्ट्री शुड नॉट रिपीट, इंडिया वॉज वंस इंडिपेंडेंट, चले गए था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम इग्नोर करेंगे फिर भी इंडिया गुलामी में चले जाएगा, कायम हो जाएगा, इसे इतने वर्णन किया। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब टूडे। इसके अलावा हमारा प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट में, हुए सोशल प्रॉब्लम्स और भी जिंदा है। किसी ने कहा राष्ट्रपति मंदिर में जाने नहीं दिया, दैट इटसेल्फ शुड हैव बीन एन इश्यू, दैट इटसेल्फ शुड हैव बीन एन इश्यू। पानी के लिए कैसे कहा, हम हाड़ महाड़ में, महाड़ में आप पानी नहीं चू सकते, हम चूएंगे। तिरुवांकूर में हमारे वो मंदिर तक जिद करने के बाद वहाँ का महाराजा मंदिर प्रवेश किया हम कराए, ऐसा मंदिर जाने का भी हमारा हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इट इज़ ए सेंसिटिव इश्यू, सेंसिटिव इश्यू, वी हैव टू हैंडल वेरी केयरफुली, बट फाइंड आउट द रिपोर्ट ऑफ वेयर राष्ट्रपति वॉज नॉट अलाउड इन टू द मंदिर, उसको जिक्र करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को भी ये हाल अगर हो सकता है तो ऐसे ये बुद्धिमान लोग बैठ के एक मेमोरेंडम, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं, 5-6 पॉइंट्स, टची रहना चाहिए, सीरियस रहना चाहिए। हम लोग जो मेमोरेंडम दे रहे हैं हम भी सीरियस है, हमारे पीछे 30-35 करोड़ लोग है, ये मैसेज भी जाना चाहिए। आप लोग खुशी है, आप लोग समाज में अपने आप आए, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिला होगा, नौकरी भी मिला होगा, वो हमारा हक है, हक से है, लेकिन आप सोसाइटी को वापस देने का एक मौका, राष्ट्रपति हमारे पास आएंगे तो हमारा 1, 2, 3, 4 जो आप लोगों ने आज कहा है, 10, 12, 20 तक भी चले, उसको कैसे कंडेंस करेंगे, कैसे मिक्स करेंगे, चैट करेंगे, लेकिन हाईलाइट होना चाहिए इतना हमारे सामने। एक और सुझाव दे रहा हूँ, 1950 से अभी 70 साल तक हमारा रिजर्वेशन था, वाई नॉट यू आस्क फॉर ए रिव्यू और एनालिसिस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड द रिजर्वेशन पॉलिसी, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट वाज दिस इंटेंशन, हाउ फार इट हैज बीन एडॉप्टेड, एजुकेशन इज एनफ, नो, व्हाई यू हैव नॉट मेड देम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, व्हाई यू हैव मेड देम एज अ बिजनेसमैन, व्हाई यू हैव मेड देम एज अ इंजीनियर, वही है उन्होंने हर गवर्नमेंट में है प्रॉब्लम्स, प्रपोजल्स, स्कीम्स है, लेकिन हम लोग अनपढ़, उसके लिए अप्लीकेशन देना अलग है, आजकल उसको खरीदना पड़ता है, घूस देना है, घूस नहीं दिए तो आपको अप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, ये सारा सामने करना है। सिर्फ एजुकेशन मात्र नहीं, रिजर्वेशन में एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन तो मिल रहा है तो उसमें भी त्रुटियाँ है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में हम आगे नहीं बढ़ा है, गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारी निभाता है।
इसको बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, आना चाहिए वो पूरी तैयारी करने के बाद राष्ट्रपति के नॉलेज में ला के ये रहेंगे आप भी तैयार हो जाइए उसी पर इसके बारे में क्या बोलना पड़ेगा बच्ची वी डो आई डोंट वॉन्ट टू कीप हिम अंडर प्रभु राष्ट्रपति तक आया है उनको सम्मान करना है हमारी मेमोरेंडम से हमारे आर्ग्यूमेंट से उसका अपमान होना नहीं ये सारा हमारे जिम्मेदारी है सोचना पड़ेगा जी कितना बोलना है जरूर बोलने का ढंग में चेंज हो सकता है जबरदस्ती से बोल सकते हैं रिक्वेस्ट से भी कर सकते हैं आपको हम ताकत देंगे आप आगे बढ़ो बोल सकते हैं तो ये सारा मेमोरेंडम हमारे सामने आने के बाद हम सब लोग मिलकर बात करेंगे 3-4 कमिटियाँ बनाई हैं समय बहुत कम है इवेंट मैनेजर को हम साथ लेना पड़ेगा उसके लिए पैसा वगैरह वो तो एल आई सी है स्टेट बैंक है बिगेस्ट बैंक और दूसरे बैंकों पर भी समय अभी ले रहे हैं but I don't know how he feels we are subsidizing the banks bank to logon ka paisa hai logon ko paise se aap badge mein deke badge se aap maintain karna usko aap mein npc zyada ho gaye aur uske sath sath subsidizing kar rahe 72,000 crores to meet the loss of the banks बैंक में लॉस कैसे होता है फ्रॉड करने से होता है मिसयूज करने से होता है घूस देने से होता है बैंक वाले को अगर गवर्नमेंट का सब्सिडी देंगे 1,76,000 करोड़ रिजर्व बैंक से पैसे लेंगे गवर्नमेंट देने के लिए बैंक हमारा लोगों को पैसे लेके लोगों में टैक्स दे रहे जीएसटी दे रहे डिमोनेटाइजेशन सफर किया है उसके अलावा रिजर्व बैंक में जो पैसा था वो भी ले रहे गवर्नमेंट ये खुद देखने वाले बैंक में जो पैसा हमारे हमारा रुपया नहीं होगा 10 पैसा हमारा भी Political reservation should be abolished. Why? Why? Why answer जाना चाहिए कौन लिखा ये एक सवाल आपने लिखा अच्छा आप बोलने के बाद मैं बोलूँगा why political reservation why मैं बताता हूँ they are not doing their duty हनुमत तत्व को नहीं बोलेंगे ना मैं आप नहीं बोलेंगे not to you आपने तो बहुत विवंच जाकर काम किया मैंने प्रेस वाले को नहीं राजीव गांधी को कहा आप एसपीजी को क्यों लेके होते हो पार्टी में दिस इज नॉट फॉर द प्रेस हम लोग है ना आपको चुना है आप हमारा नेता है एसपीजी क्यों लेते हैं तो पार्टी मीटिंग में अगर अगर उन्होंने कहा मैं तो भैया पैसा कानून पास किया है ये लोग बेडरूम तक खाता है इसलिए कहाँ पर हम तो मेरे पास पावर है या नहीं मैंने चला के रखा दो तीन लोग पार्लियामेंट वॉज नॉट इनफ फॉर मी इट वॉज नॉट सर बियॉन्ड पार्लियामेंट भी किया तो इसलिए उनको आप क्या करते हो पढ़े लिखे वालों को नहीं लेते और उनको चाहिए उनके पीछे थैले लेके जाने वाला वैसे लोगों को अपने सेलेक्ट कर नहीं एमपी सूट बुला के हम उनको ताकत देना पड़ेगा अगर ज़्यादा बोले तो कुछ बार सीट नहीं मिलेगा
सीट नहीं देगा उसको हटाएगा, एक साल बस एक दूसरी ऑप्शन को नहीं आएगा, ये सारा सवाल है। सो पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल से रिजल्ट नहीं होता तो इतना भी आप नहीं खा सकते। बिल्कुल नहीं, सही बात, बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए चाहिए जो सरकार करने के लिए हमारा आवाज़ उठाने का, हमारा इस 80 लोग जो रहते हैं उनका सपोर्ट चाहिए उनको। अभी बंटवारा हुआ है, बीजेपी में कुछ लोग गई, कांग्रेस में लोग गए, जनता दल में है, फिर भी ये जैसे जो है 13 साल मैं पार्लियामेंट फोरम का कन्वीनर रहा, मकवाने के बाद मैं चार्ज लिया, 13 साल गवर्नमेंट में जो पॉलिसी हो रहे हैं उस पर हम चर्चा करके आगे बढ़ाए। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, आप तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर पार्लियामेंट फोरम नहीं रहा हो तो नारायण प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, आज रामनाथ कोविंद नहीं बन सकता था। पहली बार नारायण को प्रेसिडेंट बनाने के मैंने रेजोल्यूशन पास करके 5 साल इंतजार करके 1792 में होना था, नहीं हुआ। उस समय शंकर दयाल शर्मा ने आ गया, उसके बाद नारायण को इंतजार करके नारायण को अपने प्रेसिडेंट बनाया, अकेले लड़ा लेकिन फोरम मेरा साथ दिया। डरा रहे क्या, डरा रहे, डरा नहीं रहा। 150 MPs है हमारे, 150 MPs का इरादा है, सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर है इसीलिए आपके सामने मैं ये रख रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।